हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है दबंग 3 से, और इसमें है मीट चुलबुल पांडे। तो सच में मिलने वाले हैं भाई चुलबुल पांडे। हर कोई जानता है चुलबुल पांडे कौन है। हमारे सलमान भाई जी। तो देखते हैं ये चुलबुल पांडे उनसे मिलते हैं। भाभी जी भी है, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा भी है फिल्म के अकॉर्डिंग, भाई रियल वाली नहीं। चुलबुल पांडे। Oh, yeah. This time he is talking about himself and how is he, what is he, Prabhu Deva. About his the people, about his nature, about his walk, about his talking, like that. That's all he says. Oh, my God. When he comes, walks on the set, he is in a t-shirt and denim. But as soon as he wears the shirt and the mustache and sunglasses, he is Chulbul Pandey. He always makes things really larger than life, and you know, very pleasure to work with you again because you're so quick. लेकिन कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। Salman sir has been the most instrumental for me to be here. He has been so accommodating, he's been so sweet, kind, he's made me so comfortable on set. I've seen him when everybody says okay, also I've seen him walk up and say one thing. It's actually a good strong character. It's like almost like a superhuman power. He's a wonderful person, even on set. भाई ये वाला सीन तो भाई रियल में जब करते हैं ना मट्टी में वाला। चुलबुल पांडे जैसे कि बहुत ज्यादा दबंग है, एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा चुलबुला भी है। चुलबुल पांडे जो है वो आम आदमी। ओह बुलेट है भाई। ये वाला सीन था। स्वागत तो करो हमारा भाई। बनता है 20 दिसंबर तो भाई मिल लिया आप चुलबुल पांडे से। ऑब्वियस सी बात है, और रियल में मिलना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। नहीं तो वैसे थोड़ा सा मिलना है तो मूवी तो आ ही रही है 20 दिसंबर को। तो मेन ये वीडियो उन्होंने बनाई है मतलब चुलबुल पांडे जो करेक्टर है उसके ऊपर, और उसी के बारे में सारा कुछ बताया, मतलब क्या उसकी एक्चुअल में उनकी क्या साथ में जो काम करते हैं उनके बारे में, उनकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसा बिहेव करते हैं। यानी कहते हैं कि दबंग तो है ही है लेकिन साथ के साथ वो बिल्कुल चुलबुले चुलबुले स्टाइल में भी रहते हैं, ताकि यानी किसी को कंफर्ट जोन में, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखते हैं कि हाँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करिए मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सलमान खान हूँ तो आपको मेरे से दब के काम करना है या मेरे से थोड़ा सा डर के काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और वैसे ही मतलब सोनाक्षी सिन्हा का है, सोनाक्षी सिन्हा भी अभी मतलब काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, मतलब वो सलमान खान जी काफ़ी टाइम से हैं इंडस्ट्री में, तो वो भी मतलब काफी कंफर्टेबल होती है उनके साथ काम करने में। और किच्चा सुदीप जो साउथ में बहुत अच्छी अच्छी मूवियां करते हैं, कर चुके हैं, और उनकी मैंने दो चार मूवियां देखी हैं तो जिनमें बहुत अच्छे थ्रिलिंग एक्शन भी है और मूवियां भी काफी अच्छी करी है उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आई थिंक विलन का रोल कर रहे हैं, सर किसी गुंडे का रोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो भी बता रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा साथ में काम करते हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिस में भी जो भी वो अपने वो करते हैं तो उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मतलब जो दबंग 3 है बहुत बड़ी एक हिट होने वाली है इस काफ़ी दिनों बाद, क्या मान लो कि सलमान खान जी की, क्योंकि साल भर में एक मूवी निकालते हैं वो, और वो मूवी तुम्हें पता है कोई मूवी ऐसी नहीं होती जो 300 करोड़ से कम कमाए, तो इस बार दबंग 3 और दबंग 1 और दबंग 2 ऑलरेडी पहले से ही हिट बन चुकी हैं, तो दबंग 3 में भी कुछ ऐसा थ्रिलर एक्शन आने वाला है, और स्टोरी जिस हिसाब से लग रहा है कि जिस हिसाब से स्वागत बोल रहे हैं स्वागत स्वागत पे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ थ्रिलिंग एक्शन तो आ ही रहा है इसमें। हाँ, इसमें और दबंग के पीछे की स्टोरी मतलब जो स्टार्टिंग की स्टोरी उनकी पहले की वो इस मतलब इस वाले पार्ट में है, और जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा ही है उस हिसाब से, तो हिसाब से कहीं ना कहीं मूवी में धमाका होने वाला है इस बार, तो ये मूवी तो भाई देखना बनती है सभी की। और ये बेसिकली जो दिखाया था मेकिंग के शॉट दिखाए थे कि जहाँ पे एक्चुअल में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे रिएक्शन है उनका आम पब्लिक के बीच में और लोगों के बीच में वो कैसा बिहेव करते हैं, तो वो सारा दिखाया गया। जो शूटिंग थी वो दिखाई गई, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है सारी चीज़ों के लिए, धूल में कैसे उन्होंने स्टंट किए हैं, तो वो चीज़ है। तो ये था चुलबुल पांडे से छोटा सा मिलना मिलना, और मूवी में हम देखेंगे मतलब इनका करेक्टर का
पुरानी स्टोरी से क्या लिंक है और कैसे ये दबंग है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को. मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.